अस्सलाम वालेकुम। वीजा के हवाले से जो हमारी सीरियल चल रही है उसमें तकरीबन 10-12 वीडियोस आप देख चुके होंगे और तकरीबन कोई 70-80 वीडियोस, 90 वीडियोस और आएंगी। और मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई वीजा मिस ना हो और किसी भी वीजा के हवाले से कोई भी बात मिस ना हो, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, चाहे वो विजिट वीजा हो, चाहे वो ट्रांसफर वीजा हो या किसी भी किस्म का वर्क वीजा हो, आपसे मालूमात ना खराब हो। एक कंप्लेन मेरे पास आई कि आपके जो वीडियोस हैं वो हमारे पास उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो हम कभी देख लेते हैं, कभी हम सर्च करके देखते हैं इसको, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन आपने जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर आपने हिट नहीं किया है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जनरेट नहीं होता है और आप वीडियोस को मिस कर देते हैं। तो लिहाजा जब भी आप सब्सक्राइब करें तो जो बेल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। ये तमाम वीडियोस जो हैं ये आप लोगों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपकी फैमिली के लिए और जनरल लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको देखना ज़रूरी है, उसको शेयर करना ज़रूरी है ताकि जो मार्केट में हमारे जो आजकल बातें हो रही हैं कि मुझे किसी भी तरीके से आप कहीं पहुँचा दें या 10 लाख ले लें, 15 लाख ले लें, लोग ऑफर कर रहे होते हैं, हमारे पास लोग ऑफर कर लेने के लिए लेके आते हैं, पैसे लेके आते हैं, एडवांस लेके आते हैं कि 2 लाख अभी रख लें आप, 8 लाख और ले लीजिए मगर मुझे पहुंचा दीजिए। तो उन लोगों के लिए तो हमारी तरफ से तो इनकार है। आपको मैं अलीरान बोल रहा हूँ कि हमारे पास प्लीज़ ये पैसे लेकर ना आए, आपके साथ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि मेरे पास इस किस्म के काम के लिए मत आइएगा, जिसको हम कहते हैं डन बेस। ठीक है, अब ये डन बेस क्या है? जो मार्केट में हमने अभी सुना, एक बच्चा मेरे पास पूरा पेपर लेकर आया था, बहुत बड़ा लेटर था कि यूके का डन बेस वीजा मैं तुम्हें करा के दूंगा और मैं तुमसे 15 लाख रुपए लूंगा। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बात यह है कि हमारा ये रोज का काम है, वीजा कंसल्टेंसी हमारा रोज का काम है, हम हर तरीके से साथ जानते हैं इसको, इसके अच्छे रास्ते बुरे रास्ते पता सारे होते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि मैं आपको यूके का डन बेस वीजा दूंगा या यूएसए का डन बेस वीजा दूंगा या ऑस्ट्रेलिया का कोई भी, तो वो एक बस समझ लें कि एक जुआ खेलता है, वो आपसे 15 लाख रुपए तय करके जुआ खेलता है, क्योंकि बाहर कंसल्टेंट तो होता है, कुछ ना कुछ आगे पीछे काम तो कर रहा होता है, उसके पास डॉक्यूमेंट तो इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह हम देखते हैं ना किसी मैकेनिक को, तो उस मैकेनिक को, मैकेनिक अच्छा हो या बुरा हो, उसके पास पुर्जे जमा हो जाते हैं, उसके पास मडगार्ड और हैंडल और चीजें जमा हो जाती है। इस तरीके से जो कंसल्टेंसी कर रहा है उसके पास पेपर तो जमा हो जाते हैं। अब जब पेपर जमा हो गए तो वो आपके ऊपर खेलता कैसे? आपको कहता है बस जी आप एक पासपोर्ट देना है, एक आपने 4 तस्वीरें देनी है, आईडी कार्ड की कॉपी दे दें तो बस 5 लाख रुपए पहले दे दें, 10 लाख रुपए आप मुझे बंद दे दीजिएगा। तो एक तो वो 5 लाख फंसने का खतरा अलग, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझसे वो कुछ भी नहीं मांग रहा, तो शुरू में तो यही बोलता है मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, तो फिर भी वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि वो आपकी पूरी फाइल ही फेक बनाएगा, यानी कि आपकी पूरी फाइल जिसमें आप कुछ भी नाम ले लें वो तमाम की तमाम, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बैंक स्टेटमेंट, आपका कवर लेटर, आपका जॉब लेटर, आपकी इनविटेशन, तमाम चीजें फेक लगाएगा। अब पहले ही इसका अंजाम सुन लें कि अगर वो फेक प्रूव हो जाती हैं तो आपको तो पता ही चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन 10 साल का बैंड लग सकता है, लाइफ टाइम बैंड लग सकता है और आपका जो आपकी जो आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हो फॉर लाइफ। तो वो तो उसको परवाह नहीं है क्योंकि वो तो होना आप रहे हैं, तो इस बात का आपको पता नहीं होता। अगर आप ब्लैकलिस्ट हो भी जाओ तो आपको इलम नहीं होता कि मैं आप ब्लैकलिस्ट हो चुका हूं। तो स्पॉन्सर लेटर जो है वो इसके अंदर वो अरेंज करता, किसी के भी स्पॉन्सर लेटर एडिट करता है या वो एक डमी स्पॉन्सर अरेंज करता है जो कि नॉर्मली फ्री मिल जाता है हमारे नेट के ऊपर, या फिर आप कह लें कि वो एडिट करके, क्योंकि अगर वो सी क्लास का है तो वो नया मंगवा लेगा, फ्री मंगवा लेगा, अगर वो डी क्लास ई क्लास का आदमी है तो फिर वो एडिट पर शुरू हो जाएगा, एडिट करना शुरू कर देगा। अब चूंकि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और ये माइनस पॉइंट होता है, इसलिए वो स्पॉन्सर लेटर का सहारा लेकर उसके अंदर अपने तमाम काम डालना शुरू कर देता है, मजबूर करता है वो आपको कि आप अपने जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो आप शो करें, यानी कि एक ऐसा बिजनेस शो करें। अब अगर आप कहते हैं जी वो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अक्सर आप ये भी कह देते हो, तो फिर वो एक फर्जी एड्रेस के ऊपर फर्जी एंटीएन बनाता है, और वो एंटीएन आपको पता है कि आजकल बंदा तो फ्री है मगर आप 1000 रुपये मान लें तो वो बन जाता है और उसके ऊपर वो टैक्स भी भर देता है,
यानी कि एक पूरा का पूरा सिस्टम डॉक्यूमेंट वो भी तैयार हो गए। अभी तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट बनने में मिसाल है कि 10,000 रुपये लग गए उसके, तो वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपकी फैमिली टाइज की फाइल बनाएगा और उसके बाद आपसे कहकर के बैंक स्टेटमेंट, आप कहते हैं कि जी वो भी नहीं मेरे पास क्योंकि मैं तो आपसे धन्यवाद कर गया हूँ, तो वो बैंक स्टेटमेंट की भी जो किसी की लगी होगी, किसी की दी होगी, नाम आगे पीछे करके निकाल के आपकी पूरी फाइल बना देता है। जब आप वो फाइल देखते हो तो आपको वो फाइल बड़ी जानदार लगती है, क्योंकि पेपर तो पेपर है ना। अब वो आपको कहता है कि जी देखें मैंने आपके लिए 40 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट अरेंज की, इसके लिए देखें मेरा मेरी बात हुई हुई है, मैंने इनको 5 लाख रुपए देने हैं, ये जो आप 15 लाख रुपए किस तरह खर्च होंगे वो देखिएगा, मेरे पास तो बस 10,000 रुपए आने हैं आपके टोटल। अब वो 10,000 रुपए बस मुझे कमाने हैं आपसे, बाकी तो 15 लाख आपके पास खर्चा आ रहा है। आप भी बड़े मुतमिन होते हैं कि जी बड़े ईमानदार आदमी है, 10,000 रुपए के लिए काम कर रहा है, 15 लाख रुपए मेरे पे खर्च कर रहा है। लेकिन और फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहूंगा कि अगर पुल वीजा लग गया तो वो मामला क्या होते हैं वो हम अगली वीडियो बात करेंगे, लेकिन अगर नहीं लगा तो आपको कहेगा जी मुझे आपने पैसे भी नहीं देने, तो मैंने आपसे पैसे लिए ही नहीं है, ये पासपोर्ट लीजिए चलो बेटर ना, नेक्स्ट टाइम कहीं और अप्लाई करेंगे, मसला नहीं है। आप भी यही सोचे घर आ जाते हो कि मेरा कौन सा पैसा लगा हुआ है, अगर पैसा लगा ही नहीं है तो फिर मसला क्या है। तो इस तरीके से जो है अगर लग गया, अगर मिसाल है वो 20 लोगों को ट्राई करता है, अगर 19 लोगों का ना लगे तो कोई बात नहीं, 19 लोग तबाह हो जाएं, उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनकी जो ट्रैवल जो उनकी जो बैंड है वो लग जाए, कोई मसला है। अगर एक काम कर गया पूरे साल में भी तो उसको 15 लाख रुपए आ गए, उसका साल गुजर जाएगा। इस तरीके से वो लोग काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको और काम आता नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचिए, यहाँ आपने सेफ करना है अपने आप को, क्योंकि ये हमारे माशरे का नासूर है और इन लोगों को पालने वाले हम खुद ही हैं, हम लोग ही पाल रहे हैं इनको, हम ही पैसा दे रहे हैं और ये लोग बैठे हुए हैं। एक साल में अगर एक काम भी ये कर लेते हैं तो ये लोग हंसी खुशी अपना साल गुजार लेते हैं उस एक बंदे के ऊपर, ट्राइयां ये 365 बार दफा करते हैं। तो डन बेस कोई चीज नहीं होती है, डन जो है एक जुआ है जो वो खेलते हैं और उसका जो निशाना है वो आप बनते हैं, मासूम लोग बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।